हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है AKR पॉइंट। आज मैं आप सभी के सामने पंजाब नेशनल बैंक रिक्वायरमेंट 2021 के ऊपर वीडियो लेके आया। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट इलिजिबल है, क्या सैलरी आपकी होगी, कौन सा सिलेक्शन प्रोसीजर के द्वारा आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स यार आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एज लिमिट है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन फ़ी 1 रुपया भी नहीं लग रहा, और कोई भी चाहे जनरल हो, OBC हो, ST हो, PWDA, किसी के लिए भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। आपको एज रिलैक्सेशन मिला जाएगा यहाँ पर, जैसे कि जनरल को 3 साल का, OBC को 5 साल का, और PWD के एज पर नॉर्म्स आपको रिलैक्सेशन मिला जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजर नेम पंजाब नेशनल बैंक, यू कैन अप्लाई ऑल इंडियन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब लोकेशन जो होगा आपको अक्रॉस इंडिया होगा। टोटल पोस्ट है 152, पोस्ट नेम होगा आप लोगों का प्यून, प्यून का जॉब लगेगा आप लोगों को। सैलरी जो होगी इसकी 25,500 विल गिवन पर मंथ, पर मंथ आपकी ये सैलरी होगी। प्यून एप्लीकेशन फीस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, नो फी विल बी चार्ज फॉर ऑल कैटेगरी, कोई भी आप लोगों को एप्लीकेशन फी नहीं देना होगा। फिर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोगों की क्या होगी। आप लोगों पहले तो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। और क्वालिफिकेशन इसमें देख सकते हैं, शुड हैव पास 12th ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली चेक द ऑफिशियल वेब नोटिफिकेशन। अब आपको बताता हूँ कि इसका एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट देख सकते हैं, मैक्सिमम जो होनी चाहिए 18 ईयर्स, और मिनिमम जो होना चाहिए 18 ईयर्स, और मैक्सिमम जो होना चाहिए 45 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स है। आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है 14 फरवरी 2021 से हो चुकी है, और लास्ट डेट जो है 4 मार्च 2021 को इसकी लास्ट डेट है। तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर ले। तो इसको अप्लाई जो करना है, PNB अप्लाई ऑफलाइन करना है। आप लोग देख सकते हैं कि ये है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको सबसे पहले नेम देना होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम। फिर उसके बाद फादर फुल नेम देना है, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है जिसमें, और उसके बाद क्वालिफिकेशन देना है, जो आपके क्वालिफिकेशन है 10th 12th, पासिंग ईयर देना है, परसेंटेज देना है, डोमिसाइल देना है, उसके बाद कैटेगरी कौन से हैं आप, फिर एड्रेस आपको देना है, मोबाइल नंबर देना है, नेशनलिटी देना है, लैंग्वेज देना है, पैन कार्ड नंबर देना है, वोटर आईडी कार्ड नंबर देना है, अगर आपके पास ऊपर कोई केस चल रहा है तो उसका देना है यहाँ पे, या फिर आप नो भी कर सकते हैं जिसका नहीं चल रहा है। और यहाँ पर डेट देना है, प्लेस देना है, और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर करके, और यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो, कलर फोटो होना चाहिए यहाँ पर देना है, एक अटैच करके देना है और एक इसके साथ देना है। तो जल्दी से जल्दी इसे अप्लाई कर लीजिए। और अप्लाई हाँ, तो दोस्तों जैसे कि बात करते हैं, मैं नया YouTube चैनल खोला, तो प्लीज़ इसे ग्रो करने में मेरी मदद करें, और आप लोग के लिए ये इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हमेशा आती रहेंगी मेरे YouTube चैनल से। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।